इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट के बारे में हार्ट में कैसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो सिग्नल्स है ऐसे नोड से ए वी नोड में जा रहा है ए वी नोड से ए वी बंडल्स में जा रहा है फाइबर्स में जा रहा है परकिंजी फाइबर्स में पहुंच रहा है फिर उसके बाद हार्ट के कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कैसे कोस कर रहा है तो उस कंडक्टिंग सिस्टम के बारे में उस नर्व uh, इम्पल्स के कंडक्शन के बारे में इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सो हार्ट हैज एन एबिलिटी टू कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स हार्ट को अपने आप में एक क्षमता है कि वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स कर पाए दी दिस प्रॉपर्टी ऑफ द हार्ट इस तरीके से जो कंट्रैक्ट और रिलैक्स होने के जो अपने आप में होने का जो क्षमता जो है उसको ऑटो रिथमिसिटी कहते हैं ओटो मीनस अपने आप रिथमिसिटी में अपने आप अपने रिथम बना के रखने का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की रिथम बना के रखने की इस प्रॉपर्टी को ऑटो uh, रिथमिसिटी कहते हैं दर आ ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज कार्डियक मसल सेल्स न्यूरोमस्कुलर सेल्स हैं हार्ट के वॉल पे एंड दैट सेंड सिग्नल्स टू द हार्ट मसल्स टू प्रोड्यूस हार्ट बीट ऐसे ग्रुप ऑफ कार्डिय मसल सेल्स या न्यूरोमस्कुलर सेल्स की जो ग्रुप है वो सिग्नल्स uh, भेज देते हैं हार्ट uh, <coughs> के मसल <muscle> को सो दैट इट कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकता है तो दे आर केपेबल ऑफ इनिशिएटिंग इम्पल्सेस एंड कंडक्टिंग दैम रैपिडली थ्रू द हार्ट तो वो जो है आ, ये जो ग्रुप ऑफ न्यूरोमोस्कुलर सेल्स जो हार्ट में है हार्ट के वॉल्व पे है देर केपेबल ऑफ इनिशेटिंग नर्व विम्पल्स वो इनिशिएट कर सकता है नर्व विम्पल्स या सिग्नल्स इनिशिएट करने की क्षमता रखते हैं और उस नर्व विम्पल्स को हार्ट के वॉल्स के थ्रू ट्रांसमिट करने या कंडक्ट करने का भी क्षमता रखते हैं तो इट कंसिस्ट ऑफ एस ए साइनो एट्रियल नोड शॉर्ट में उसको एस ए नोड कहते हैं और ए नोड है नेक्स्ट ए वी नोड ए बंडल है जिसको बंडल ऑफ हिस्पी कहते हैं और परकिंजी फाइबर्स ये सब जो स्ट्रक्चर है इसके थ्रू नर्व इम्पल्स एक जगह से दूसरे जगह हाट के वॉल्स में पहुँच जाते हैं एंड द कन्डक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट कॉसेज ये जो कन्डक्टिंग सिस्टम है इट कासेस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट हार्ट के कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कॉस कर सक करते हैं एंड उसी कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट को हार्ट बीट कहते हैं यही कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सीशन इस कंट्रेक्शन से हार्ट के अंदर की जो ब्लड है वो पम्प हो सकता है ताकि वो पूरे बॉडी में सप्लाई हो पाए तो यहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं ये साइनस नोड या एस नोड है और उसके बाद यहाँ देख सकते हैं ए वी नोड और उसके बाद जो ए वी बंडल या बंडल ऑफ हिस है फिर उसके बंडल ब्रांचेस है और फिर से वो छोटे छोटे में डिवाइड हो रहा है जिसको परकेंजी फाइबर्स कहते हैं तो यहाँ पे होने वाले जो नर्व इम्पल्स पूरे हार्ट के वॉल्स पे स्प्रेड हो जाते हो जा रहा है और हार्ट के वॉल को कंट्रैक्ट और रिलैक्स करने में मदद कर रहा है हार्ट बीट कॉज करने में मदद कर रहा है तो सबसे पहले ऐसे नोड के बारे में डिस्कस करेंगे उसको साइनस या साइनोएट्रियल नोड कहते हैं एंड दट इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्पेशलाइज्ड कार्डिया कार्डियक मसल सेल्स जो कार्डियक मसल सेल्स के एक ग्रुप है ये ऐसे नोड एंड इसे पेस मेकर कहते हैं हार्ट के पेस मेकर एस नोड को पेस मेकर कहते हैं एंड अपर ऑफ राइट एट्रियम राइट एट्रियम के अपर वॉल पे है नियर टू द ओपनिंग ऑफ द सुपीरविनकेवा आप यहाँ पे देख सकते हैं अपर वॉल द राइट एट्रीम राइट एट्रियम के अपर वॉल पे है और ये है सुपीरिविनकेवा जहाँ पे सुपीरिवीन केवा के खुल रहा है राइट एट्रीम में वहाँ पे मौजूद है ये एसे नोड टर्म डापे मेकर ऑफ़ द हार्ट पेसमेकर मेकर ऑफ द हार्ट कहा जाते हैं तो पेस मेकर सेल्स से बने हैं ग्रुप ऑफ कार्डियो न्यूरो सेल्स है, है उससे बने हैं एसे नोड पेस मेकर सेल्स कैन स्पॉन्टेनियसली जनरेट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ये अपने आप इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट कर सकता है द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वो जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या सिग्नल्स कैन स्प्रेड ओवर द मायोकार्डियम ऑफ द एट्रिया ऑफ द हार्ट हार्ट के एट्रिया के माओकार्डियम में या मसलुलर लेयर में वो स्प्रेड हो जाते हैं एंड दैट कॉस कंट्रैक्शन ऑफ द एट्रिया एट्रिया के कंट्रैक्शन वो कॉस कर सकते हैं यहाँ इस डायग्राम में देखो यहाँ से वो पूरे एट्रिया के वॉल्स में वो कंट्रैक्ट होगा दोनों एट्रिया सिक उड़ जाएंगे कंट्रैक्ट होगा तो इस प्रकार से जो इम्पल्स एट्रिया के वॉल्स पे पहुंचने पे एट्रिया के वॉल्स कंट्रैक्ट होगा जिसको एट्रियल सिस्टोल कहते हैं सिस्टोल मतलब कंट्रैक्शन एट्रियल सिस्टोल मतलब एट्रिया के कंट्रैक्शन सो ब्लड फ्रॉम बोथ एट्रिया मूव्स इनटू टू वेंट्रिकल्स जब दोनों एट्रिया कंट्रैक्ट होगा तो यह एट्रिया से ब्लड जो है दोनों दोनों विंट्रिकल्स में आ जाएगा राइट right एट्रियम से राइट right विंट्रिकल में आ रहा है लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट विंट्रिकल में ब्लड पहुंच रहा है <throat> तो ऐसे नोड ट्रांसमिट द नर्व एम्पल्स टू द ए वी नोड या एट एट्री वेंट्रिकुलर नोड तो ये ऐसे नोड से जो नर्व एम्पल्स है वो ए वी नोड पे आ जाएगा और ए वी नोड स्टिबलेट हो जाएंगे फिर आगे ए वी नोड नर्व एम्पल्स को आगे सेंड कर रहा है सो एवी नोड इज ऑल्सो ए कलेक्शन ऑफ स्पेशलाइज्ड कार्डिया मसल कार्डिय मसल सेल्स कार्डिया कार्डिय मसल सेल के ग्रुप है ये एवी नोड भी एट्री वेंट्रिकुलर नोड भी दिस इज लोकेटेड विथ इन द एट्री वेंट्रिकुलर सेप्टम एट्री वेंट्रिकुलर सेप्टम में है एंड इट इज नियर टू द ओपनिंग ऑफ द कॉरोनरी साइनस कॉरोनरी साइनस के नज़दीक है एंड ये वेल्ब्स के नज़दीक है आप यहाँ पे देखें तो ये यहाँ पे जो Uh, दोनों बाइक का स्पीड ट्राइक स्पीड वैल वगैरह है उसके नज़दीक है ये ट्री वेंट्रिकुलर सेप्टम में है ये ए वी नोड एंड जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्राम द ए वी नोड कन्वर्ज एट द ए वी नोड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है नोड से आया था वो कहाँ पर आ गया अब ए वी नोड पर आ गया एंड द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स देन पासस थ्रू द ए वी नोड इन टू द ए वी बंडल तो ए वी नोड से वो फिर जाएगा ए वी बंडल में जाएंगे और एवी बंडल से वो आगे बंडल ब्रांचेस में जाएगा आई शो यू इन द डायग्राम तो ये एवी नोड है एवी नोड से वो इंपल्सस कहाँ जा रहा है एवी बंडल में जा रहा है बंडल ऑफ हिस भी कहते हैं उसको बंडल ऑफ हिस एवी बंडल को बंडल ऑफ हिस तो नेक्स्ट है ए आ, ए ट्रिवेंट्रिकुलर बंडल एएवी बंडल ये बंडल ऑफ हिस तो ये बंडल ऑफ हिस इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द एवी नोड एवी नोड का कंटिन्यूएशन है इट ट्रांसमिट्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्सर फ्रॉम द एवी नोड टू द पर्कजी फाइबर्स तो ये ए वी नोड से इलेक्ट्रिकल uh, इम्पल्सर्स को परी फाइबर्स में ले जाते हैं ये भैया बंडल से बंडल के थ्रू या uh, बंडल ब्रांचेस के थ्रू वो परकिजी फाइबर्स तक इस पर्कंजी फाइबर्स तक इम्पल्सर्स को ले जाने में मदद कर रहा होलोंग द okay. एलोंग देंट्रिकुलर सेट्रिकुलर सेप्टम के थ्रू वो नीचे आ रहा है यहाँ पे है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम एंड इस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के थ्रू ये नीचे आ रहा है और वो बना बना रहे राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच ओके एंड द बंडल इंटू राइट बंडल ब्रांच एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस तो राइट बंडल ब्रांच कंटेक्स इम्पल्स टू दर्कंजी फाइबर्स ऑफ द राइट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल में और राइट साइड ऑफ द हार्ट में जो पर अपरकंजी फाइबर्स उसमें से बनता है राइट बंडल ब्रांच से और लेफ्ट बंडल ब्रांचस से वो जो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में जो जो इम्पल्स है वहाँ पे जो इम्पल्स भेजा जाता है थ्रू द परकंजी फाइबर्स ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल सो लेफ्ट साइड में परिंजी फाइबर्स तक लेफ्ट बंडल ब्रांच नर्व विम्पल्स को पहुंचा रहा right right है और राइट बंडल ब्रांच राइट साइड ऑफ द हार्ट में नर्वपल्स को पहुंचा रहा है नेक्स्ट है परकिंजी फाइबर्स सबसे छोटे नर्व फाइबर्स इट इज नेटवर्क ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स है ये नर्व फाइबर्स uh, है ये आर लोकेटेड द वेंट्रिकल्स वेंट्रिकल्स के वॉल्स पे है ये

बंडल ऑफ़ से बंडल ब्रांचेस में जा रहा है पर्कें फाइबर्स में जा रहा है और फाइनली इट रीचेस दी अपेक्स ऑफ आप द मायोकार्डियम ऑफ द वेंट्रिकल्स सो ये अपेक्स मतलब हार्ट की ये ये जो पार्ट यहाँ पे वो नर्व नर्वल्स पहुँच रहा है फिर यहाँ से जो कंट्रैक्शन स्टार्ट होगा ये ऊपर की ओर कंट्रैक्शन स्टार्ट हो जाते हैं और ये ये ब्लड को ऊपर की ओर पंप कर देते हैं ऊपर कहाँ आयोटा में और पालमेंट्री ट्रंक में ब्लड को पंप करने में ये मदद कर रहा है ओके तो वे ऑफ वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन बिगिनस द अपेक्स ऑफ द वेंट्रिकल्स वेंट्रिकल के आ, सबसे नीचे हार्ट के सबसे नीचे जो अपेक्स है पॉइंटेड पार्ट है वहाँ पे आ, स्टार्ट हो रहा है एंड देन इट स्वीप्स अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स तो ये ऊपर की ओर वो कंट्रैक्शन स्टार्ट हो रहा है एंड दैट हेल्प्स इन पंपिंग द ब्लड फ्रॉम द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों से ब्लड को पंप करने में ही मदद कर रहा है सो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक में जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा में ये जाएगा और नेक्स्ट जो है कार्डियक साइकिल नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे तो यहाँ पे डायग्राम में एक बार दिखाऊंगा तो यहाँ पे जो नम्पल्स यहाँ पे पहुँच गया और ये अपेक्स ऑफ द हार्ट है यहाँ से कंट्रैक्शन ऊपर की ओर स्वीप कर लेते हैं तो ये जब कंट्रैक्ट होगा तो ये आयोटा के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप होगा और आ, 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 राइट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल से पलमनरी ट्रंक के थ्रू पलमनरी ट्रंक के थ्रू पलमनरी ट्रंक के थ्रू वो ऑक्सीजनेशन के लिए राइट और लंग और लेफ्ट लंग में चले जाएंगे <coughs> तो ये था कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट